हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जुडिशरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि इसका टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है, अगर डेट अनाउंस होगा तो हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों, हम इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जो हरियाणा जुडिशरी है, इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी एग्जामिनेशन आने वाला है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऑलरेडी सब लाइन में हैं। जिन्होंने पहले एमपी का तो प्रीलिम्स होके उन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया, और वेस्ट बंगाल का हाल ही में नोटिफिकेशन आया है। लाइकवाइज हरियाणा के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द ही डेट अनाउंस होगा, तो आप अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पर ले आइए। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि अगर डेट एक बार अनाउंस हुआ तो हमें कितना टाइम मिलेगा। दोस्तों, टेंटेटिव इसमें ऐसा है कि जब भी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होगा, आपको तकरीबन एवरेज 35 से 40 दिन मिलने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए। जो आप देखिए कि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो टाइम पीरियड है, जब तक डेट अनाउंस नहीं हो रहा, आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, रादर अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। आपका कॉन्टेंट क्या क्या आप प्रिपेयर कर चुके हैं, क्या आपका कॉन्टेंट पेंडिंग है। अगर आप एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन फेल किया बट प्रेपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं कोर्सेज के, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इवन आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको हरियाणा जुडिशरी क्रैक करना है इजी वे से फर्स्ट अटैम्प्ट में, या आप इस बार इतनी मेहनत कर चुके हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे आईपीसी लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, अगर हम बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशंस हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पुट की जाती हैं, इट कुड बी रिगार्ड टू द सेक्शन नंबर, इट कुड बी रिगार्ड टू द न्यू प्रोविजंस एडेड, इट कुड बी रिगार्ड टू द न्यू अमेंडमेंट्स विच हैव बीन डन, उसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, उसका कॉन्टेंट ध्यान से रखना है। बट दोस्तों, अगर आपने सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ा है, कि अगर आपने प्रेपरेशन के लिए सिर्फ बेयर एक्ट को रीड किया है और आपको ये नहीं मालूम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, पर्टिकुलर सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है, या उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस में कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। अभी आपके पास टाइम है कि आपको वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल मिलेंगी कोर्स बुक से। आपको एक बार मेंस ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना होगा, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स समझने होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द बेयर एक्ट। और दोस्तों, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने यू हैव ओनली कवर्ड द बेयर एक्ट आपको समझ भी आ गया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए, जब भी हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, उसके बाद मेंस के लिए आपको तकरीबन मिलते हैं 45 से 50 दिन, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, इट कैन बी प्लस माइनस 10। बट दोस्तों, वहाँ पे जब वो टाइम पीरियड आता है, यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम कि आप पूरे के पूरी कोर्स बुक्स स्क्रैच से रीड कर पाएं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, दिस इज द एप्ट टाइम कि आप अपना टाइम डिवोट करके यू कैन रीड द कंटेंट, यू कैन जस्ट समराइज योर नोट्स, आप बेयर एक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियोज में या कॉन्टेंट में हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी वीडियोज प्रोवाइड की हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगी कि आपको कंटेंट किस वे से तैयार करना है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वीडियोस जो चैनल पे प्रोवाइड की गई हैं। तो दोस्तों, आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि डेट कब अनाउंस होगी, कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, बस कुछ चंद दिन और एकदम से एग्जामिनेशन अनाउंस होगा, तो ये जो बीच वाला ब्रेकेज है ना, दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दैट कैन प्रूव फेटल। तो आपको बिल्कुल भी डेट के रिगार्डिंग परेशान नहीं होना, डेट थोड़े ही दिन में अनाउंस होगी, वो टेंटेटिव अगले महीने भी हो सकती है, उससे नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में भी हो सकती है, बट आप तभी विन कर पाएंगे अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसका फोकस लूज नहीं करते। तो आपको ये प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, और जब एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब एक बार एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो गई, तो बेयर एक्ट में भी काफ़ी मटेरियल है। अगर आपने सिर्फ बेयर एक्ट ओरिएंटेड फोकस किया है, तो डोंट वेस्ट टाइम लेटर कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नई किताबें पढ़ रहे हैं,
तब आपको कंटेंट याद नहीं होगा, तो आपका तब फोकस रहेगा जो कंटेंट आपने पहले से याद किया है, तैयार किया है, समराइज किया है, आपको उसको रिवीजन कर करके रिकॉल करना है। तो दोस्तों ऐसी और स्ट्रेटजीज हम पोस्ट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे फिर से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।